हम यदि अपनी बुराइयों को जानकर उन्हें एक एक करके दूर करने का प्रयत्न करें तो जीवन में बहुत बड़ा काम करेंगे और स्वयं भी एक अच्छे और बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। हम ज्यों ही अपने दोषों अथवा अपनी बुराइयों की ओर देखने लग जाते हैं, त्यों ही हम दूसरों को बुरा समझना और अपने कष्टों के लिए उन पर दोषारोपण करना कम करते जाते हैं। एमिकिटस नामक प्रसिद्ध विचारक ने इस संदर्भ में बड़े महत्व की बात कही है। साधारण लोग अपनी हर बुराई का दोष दूसरे को ठहराते हैं। पैरा 24 अक्टूबर की रात को पहली बार कश्मीर रियासत की ओर से भारत में मिलने की तथा सैनिक सहायता की प्रार्थना की गई। 25 तारीख को हमने रक्षा समिति में इस पर विचार किया, लेकिन सेना भेजने के विषय में इस कार्य की प्रत्यक्ष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय नहीं किया। 26 तारीख को सवेरे हमने इस मामले पर फिर विचार किया। अब तक स्थिति और भी नाजुक हो चुकी थी। दावा करने वालों ने कई कस्बों में लूटमार की थी और महोबा के विशाल बिजली घर को, जहां से सारे कश्मीर में बिजली पहुंचती है, नष्ट कर दिया था। वे घाटी में प्रवेश करने ही वाले थे। श्रीनगर और सारे कश्मीर का भाग्य अधर में था। हमारे पास सहायता मांगने के जरूरी संदेश न केवल महाराज की सरकार की ओर से, बल्कि जनता के प्रतिनिधित्वों की ओर से भी आए। खासकर कश्मीर के उस बड़े नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभापति शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पास से, कश्मीर सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ने इस पर जोर दिया कि कश्मीर का भारतीय संघ में प्रवेश हम स्वीकार करें। हमने इस प्रवेश को स्वीकार का और हवाई जहाजों से सेना भेजने का निश्चय किया। लेकिन हमने एक शर्त लगाई कि इस प्रवेश पर रियासत में शांति और व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद कश्मीर की जनता की राय ली जाए। हमें इस बात की चिंता थी कि हम कोई अंतिम निर्णय ना कर ले। पैरा रिश्वत के प्रकरण में सामान्यतः दो पक्ष लिप्त होते हैं। एक वह पक्ष जो रिश्वत देता है और दूसरा वह जो रिश्वत लेता है। रिश्वत लेना व देना दोनों ही आपराधिक कृत्य माने जाते हैं, परंतु इस संबंध में प्राय यह विवाद की बात मानी जाती है कि
रिश्वत के कार्य से संबंधित दोनों पक्षों में कौन इस कृत्य के लिए उत्तरदायी है, इस संबंध में अपना कोई निश्चित विचार बनाने से पहले हमें दोनों पक्षों का परीक्षण कर लेना चाहिए। पैरा, भारत में वन्य जीव संरक्षण को पहले ही से महत्व दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1992 द्वारा इसे कानूनी रूप प्रदान किया है। जनवरी 2003 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्य जीव अधिनियम 2002 रख दिया गया। इसके अंतर्गत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा, शिकार प्रतिबंध, वन्य जीव आवास पर कानूनी संरक्षण तथा वन्य जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर बल दिया गया है। भारत में वन्य जीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। फुल स्टॉप।